अगर लड़के हमार गलती के बा तो हम अपने लड़के की तरफ से हम गलती मांग लड़का लाग भाई लड़का है ना हम आए पैसा मांगे हम का बेईमान बनवा द लड़का तो हम का चाहे हम का लाल पियर आँखी ना देखाया हम पकड़ के बुलबुली उछाल ले इनका समझाना फाड़ के दुई ठे कई दे चाहे जैसे लड़के हैं लड़के को मोहन ना लागे चाहे ऐसा और सिखाए हो क्या लाग है कि बरवारिस कैसे बोल जा था का तुम हम पकड़ पाई तो ना तक पकड़ के बुलबुली या उछाल ले ठीक बा हम तोरे कहे से तोरे लड़का का गलती माफ कर तही हमारो कर कौनो झगड़ा लफड़ा ना आई है सही पैसा हम दे लिया तही हाँ अब तय आ गया यहाँ हमार पैसा दे न कौनो झगड़ा न लफड़ा हमार 15,000 रुपया दे हम ऐसे जुड़े जुड़े चला जाए कौन लफड़ा झगड़ा बस सेठ 15,000 रुपया अब 15,000 हम अपने कन्हे भैया हम 9,000 रुपया ले आए रहे एकदम सही है 9,000 यही जे माती जौनी दिन कन्हैये हमरे बरात लौट के आए ओकरे भियान में हम वापिस कई दिन है पाँच है के का वापिस कई दे है हा सेठ आप ना दे है हम का अगर है कल अब्बास का रहे बाहर मुनीम रहे कहे रामेश्वरी कैसे चलू हम कहे भैया कुछ पैसा लेके आई है कहे लिया वा पैसा दे दे भाई खातम चढ़ाई ले सेठ से बताई दे काई बात तो उसी मुनीम नहीं बताए हम से मुनीम वहाँ चर्चा ना आई के है आम से चर्चा ना के ना हम का तन क्यों जामताली हो तक का कर है जामताली उड़े ये रीत जानत हो बे ये है कहा कही अरे कहता है हम का रचो जामताली ना मालूम जानकारी वो है कहता ही है सेठ मुनीम से पूछ ले सब पता चल जाए ठीक बा तो जाए जिन हम तोरे आँखी के सामने बोला के ही पूछब ए मुनीमुमा हाले हाले ले सुन हाले ले सुन कै पुती ले है हा कै पुती ले है हा काहे जाले पे नमक छिड़काता है कहा हाले ले सुन हाले ले सुन हाँ ऐसे कह जाता तब हिया आओ ले सुन हाँ हिया आओ हमार बात सुन हाँ हाँ तब तब बता ये कहता ही है हाँ तो बताओ ये बिठवा का ये जवन तो का 5,000 रुपया दे रही एका ख्याल ब बेचारी गरीब दुफिया है आ दे बा तो का ख्याल ना रहे मुला बिठवा हो ओका तू काट दे है हा ओका काट दे है ऐसे झूठ बोल दे का कही आ कहता है पूछ ले मुनीम से हम दे ही पैसा मुनीम लिखे यहां तो हम का कही तू ओका काट दे है कह दे ए रमेशरिया तो ये कौ पैसा ना आई दी है ना आई है काका हम झूठ ना बोलब ये ईमानदारी के पानी चढ़वा आइल हैं हाँ तू का कर आई झूठ बोल बे खात है के कर तहार खात है हमार अब हूँ कहीं कहाँ जा बे काका का भा तोहरे मुर्गी या वैला कैसे मारा थे ठीक है बोले चलते हाँ कह दे बेटो कह दे एक को पैसे ना आई दी है ना आई दी है मुनीम बोला तो सी एक बात कहे वाली है हाँ का कहा कहा ये बताओ बेटवा आ तो का भगवान का कसम है तोरे लड़के बच्चा के कसम है जब तू झूठ बोले हम तो का 5,000 रुपये दे रहे कि नहीं दे रहे हाँ तो ये बेटवा सेठ से बता दे 5,000 रुपये हमका दे रहे रमेश सर काका का हा करता है अरे सीधे से कहता हाँ सेठ रमेश सर 5,000 रुपये दे रहे
देखा ना सरी, तू पैसा ना तू ना तू पूरा पैसा ना। हम कब कहे कि पूरा पैसा दी नहीं, हम 5,000 में 9,000 में 5,000 दी नहीं, 4,000 बाकी है। करे इतनी देर हम बड़े सब चबा गया, कैसे कह रहे हैं कहा तहा ना दी पूरा पैसा ना दी, यह कहे हम तुम कहा कैसे बता रहे पगलू, यस कह दिया कि एक पैसा एक कौ? हाँ एक पैसा ना दी, अब वही कही था। अरे मसरिया ते पैसा ना दे ना दे एक पैसा ना दे, विश्वास भा महतारी बेटवा के, अरे हमसे बेईमान न होई। शंकर भगवान का पुजेरी मनाई, शंकर भगवान हाँ, ओम नमस्ती ओम नमस्ती, अरहर में देव अरहर में देव अरहर में देव, अब तोहका अरहरी में ना तोहका उखी रहरी दे ही सब भगत है, हर हर महादेव हर हर महा, हम कही अरहर में हाँ। अच्छा मुनीम, जैसे आज राम रेवक साथे तू झूठ बोला था, वैसे भगवान करे जहां मरा तोहका पानी नहीं मिले है जगाड़ू, तोहर लड़के बच्चा बुफर पड़े जाए है जगाड़ू, चार काने हज कर की चला जा तू। ये कहो बड़े लाग रहे कितना बड़ा शराब देव का भा, तोहार लड़का बच्चा ऊपर पड़े जाए मर जा, तोहार गोड़ हाथ टूट जाए सरापत बा हट हट, करे तोर लभक बढ़ गए। अरे सेठ हम जानते रहे कि तू अन्नदाता है गरीबी का मसीहा है, लेकिन आज हमका मालूम है कि सबसे बड़ा बेईमान तू है। एकल लड़का हमका बेईमान का है, बेईमान था ये यह पनरठ बुलारी तक लटकाए है। मरता हुआ ऊपर से काट के फेंक दे, बेईमान साले नहीं तो बुढ़ापा जान कुछ बोलत ना, यही बढ़ा जाता है 4,000 बोली 15,000 अब हम दे अब लग जा, अब दे दे गठिया के निकल ले लखता, अब तेरे बेईमान सारे फाड़ जाता। अरे बेटवा ही का करता है तू, तू सेठ का धक्का मारता है का खरियारती उतारी कर हम नहीं बेटवा, अरे उन्हें बसाए बसे उनके उनके घरे में इतना बड़ा से इतना बड़ा तोहका कई दिन तू सारे फिर नहीं बैठी हम नहीं बेटवा, तुहारा औकात नहीं बस सेठ का धक्का मार। अरे पगली ये बतियता मऊ के सेठ 4,000 बा 15,000 बेईमान करता, हम गरीब मने इतना पैसा कहाँ पाऊ हम बेटवा, वो हमका नहीं मारता है हमारा समय मरवा होत हमका, आज अपना समय खराब न हो तो सेठ हमका इसे न कहते, बुलाई ले गलती मान ले बेटवा। तू भाई हमेशा हमका शर्मिंदा करत हूँ, अरे साला 4,000 15,000 का था हमारे आखिर सामने तो ऊपर हाथ उठा था, बर्दाश्त कर भाई। चाहे बेटो गलती मान ले, बुला ले सेठ का लिया आया बा काका बुलावत बा बेटो, अरे अब सेठ हम क्षमा चाहते हैं, हमसे गलती होगी हम क्षमा कहिदा।
हमसे गलती होगी साहेब, हम अपन औकात भुला गए रहे, जब तू का धक्का मार दे, अगर तू चाहे तो हम बैठ जाते निकाल लो जूता, जितना मन खाए उतना मार लो, लेकिन वह तारीख हमने खुद जिनका कन्हाई बेटवा तू काहे रोवता, तू काहे रोवता बेटवा, समय है खाखरी तुझी भव, तोहरे मातारी बेटवा के रोबे, तोहरे मातारी बेटवा के रोबे, हमार करे जा फाटत बा। कुछ भी हो सेठ, लेकिन यह अंगुली पकड़ के हम चले सीखे हैं, हमसे तनी बड़ी गलती हो गई, हमका माफ कायदा। ठीक है बेटवा, हाँ हाँ ठीक है, तोहर 15,000 बड़ा हाँ हम दे। हाँ बेटवा, भले तू बेईमानी करता हा, जा एक महीने में आया अपन 15,000 पूरा लेके जा। बेटवा देखा, जब ही बात है बेटवा, हम तोहका बताई, हम तोहका एक हफ्ता का टेम देते ही। एक हफ्ता बताना पैसा कहाँ पाऊँ से? एक हफ्ता का दिन ढेर हो था बेटवा, हाँ एक हफ्ता में आओ, हमार पैसा कौड़ी के इंतजाम कह रहा बेटवा, हमका लौटाया जिन काका एक महीने टाइम दे दे, एक हफ्ता कैसे कह पाओ? एक हफ्ता का दिन ढेर हो था, ढेर हो था। हाँ हाँ पगल ठीक बसेठ, हाँ जब तुहरी है जिद मत जा, हाँ बेटवा एक हफ्ता में अपन पूरा पैसा ले जाए। हाँ लौटाया जी नहीं काका, हाँ वादा करते ही, हाँ अगर पैसा ना दे पाओ तो हमका जान से मार देबा, हम एक को शब्द ना बोलो। हम जानता है बेटवा, चला बेटवा जाई जा जा रे, एका अपन कुबरियो भरे थे काहे तई डरवावत है, चला जाता है बेटवा, जा कन्हाई भैया। बोला भाई, कितना दिन का मोहलत पाया? एक महीने टाइम मांगत रही। पाया कितना दिन का? एक हफ्ता में कहते ना आवे के। ना एक महीना ना एक हफ्ता, हम तो का 30 दिन का मोहलत देते ही। 30 दिन भैया मजदूरी कह के, मेहनत मजदूरी कह के, पैसा रुपया इकट्ठा कह के, ओकर रुपया सारे को मुहे फेंक दिया। हला 10 रुपया महतारी पुत बिस्कुट ले खाई ले भैया। अरे मोरे अम्मा, देखा भैया, इ दस का लोट इ दुकानी में चोराई के लिए आई बे, इनके भरोसे दुकान डलिया छोड़े जाए बाका, तब भाई भैया में इतना पूजी पसार लगाए, हमारे दुकानी का सौदा बिचार जात है, मुला हमार पूजी खड़ी ना आई हो, कहाँ से खड़ी हो, चोरी सीख ले हैं, चला यार तोहार चोरी पकड़े यही नहीं आज तब का पेड़ में फरा रहा तो रहा है नहीं है, अशोक से मांगे रहे। हाँ चला आज तो तोहार चोरी पकड़े ही ने, चला यार तो का दुकान में बंद कह के मारा, चला चला जाता है बेटवा जा, चला जा भे मान सारे निर्बसी हो किराग मरवासा रहो तो। बेटवा तू एक हफ्ता का टाइम ले यहाँ, अरे मांग लेता दो चार महीने के। कहाँ मानत है तो ऐसे मनवत कहते काका, हमका एक महीने का टाइम दे दे, बेईमान सारे को बात हमारे सुनत बा, कहाँ से देगा बेटवा? तू चिंता जिनका हम बाटी ना माई, अरे मांग जांच को उल्टा पुलटा कह के अंदर 15,000 का दे दे, चला तू आराम करा, तुहार तबियत ना ठीक लागत बा, तू पैसे का रचो चिंता जिन करा, हम बाटी ना हम व्यवस्था करब। चला बेटो आवा चला। Oh,
चंबली, लगी जो आग दिल में, लगी जो आग दिल में दुनिया में लगा दूंगा। अरे आज का सिग्मा, अगर दिखी तेरी सूरत ना तो मैं किसम जमाना से मिटा दूंगा। सरदार जी जय माई भगवानी। का सरऊ इतनी देर ये सोचत रहे हैं का पटका साहब तो भाई कोहरा के छितरा जाबे काहे का सारे का भा। अबे जय मां भवानी बोल, जय मां भवानी, जय मां, जय माई भगवानी लेके आई है सरऊ में बाला सारे। अबे राजा सिंह, सरदार जी सच पहले बता खंडाले का समाचार का है रे? एकदम ठीक ठाक सब। बस अपने गिरोह के सभी लोग नाश्ता कर लिए कि नहीं कर लिए? जी सरदार जी सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। तू भी किया? जी सरदार जी। तो जा जा राजा जा, परसों की जो बासी रोटी दराज में पड़ी है उसे ला, मैं भी नाश्ता कर लूं। सरदार जी गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानेगा बोल। सरदार जी जब जब मंगलवार आता है हम सभी को आप ताजा नाश्ता करवाते हैं, लेकिन आप जो तीन तीन रोज की जो बासी रोटी रहती है उसका नाश्ता आप क्यों करते हैं? मैं यही जानना चाहता हूं। का पूछ ले? अरे अरे हमारे जख्मों को ताजा क्यों कर दिया आशीर सिंह? मैं जानना चाहता हूं किस लिए आप बासी रोटी का नाश्ता करते हैं। राजा सिंह आज हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, सारी सच्चाई अपनी कहानी सुनाएंगे तुझे। राजा ये मंगलवार सबके लिए मंगल बन के आया है तुरी कसम, पर मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोला, ऐसा कहर बरसाया कि मंगलवार को हम अंगमंगल कहने लगे। क्या हुआ? बड़ी लंबी कहानी है राजा से, तोरी कसम बहुत छोटा सा आसियाना था रे। हमारे बाबूजी गरीब जरूर थे पर गलीच नहीं थे। हम अपने घर में कुछ चार प्राणी थे राजा। हमारे बाबूजी जिनका नाम श्री रघुनाथ किसान था, और हमारी माई तो ममता मई थी जिसका नाम श्री रामेश्वरी देवी था। हम अकेले नहीं थे राजा, फिर हम दो भाई थे, मेरा राम मोहन और मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम कन्हैया था। तोरी कसम राजा हमारे बाबूजी दूसरे खेत में जब काम करके शाम को जब घर आते थे ना तो हम दोनों भाइयों को झोपड़ी में हंसता देखते थे ना तो सारी थकान दूर हो जाती थी, बड़ी खुशहाल हमारी जिंदगी थी। मगर राजा एक समय की बात है कि हमारे बाबूजी किसी कारणवश जमींदार जगत सिंह के हाथ से 500 रुपए कर्ज लाए और कर्ज देने में कुछ समय लग गया। एक दिन वो सारा जमींदार जगत सिंह हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे बाबूजी से कहने लगा के रघुआ है चल हमारा पैसा निकाल। राजा उस समय हमारे बाबूजी बीमारी हालत में मजबूर होकर के चारपाई पे लेटे थे, उठने बैठने की शक्ति नहीं थी हमारे बाबूजी के अंदर। फिर क्या हुआ? हमारे बाबूजी डर के मारे किसी तरह उठे और अपने सर की पगड़ी जमींदार के कदमों में डाल दी और कहने लगे बाबू साहब हमें 2 महीने का और मोहलत दीजिए। जानते हो राजा क्या हुआ? उस समय हमारी उम्र 10 बरस की थी रे और हमारे छोटे भैया की उम्र 3 बरस की, 3 साल का हमारा कन्हैया था। वो सारा जमींदार जगत सिंह हमारे बाबू की एक भी बात ना मानी रे और अपने पैरों से सलन ठोकर मार दिया पगड़ी पर। हमारे बाबू जी डर गए, वो सारा हरामजादा अपनी जेब से माचिस निकाला और अपनी झोपड़ी में आग लगा दिया। सारा आग लगा दिया, हम सारे को
संतोष नहीं हुआ फिर भी। फिर क्या हुआ? तुझे जलती हुई आग में हमारे बाबूजी का पांव पकड़ के फेंक दिया सर। इतना बड़ा क्या? मेरी माँ छोटे भैया कन्हैया को लेकर के पड़ोस में किसी के यहाँ गई थी रे। लोगों ने आवाज लगाई, कहे रामेश्वरी है, तेरी झोपड़ी जल रही है। हमारी माँ के देखती है तुसी आग में हमारे बाबूजी तड़पड़ा रहे, और सारा जमींदार जगत सिंह अपने घोड़े पे बैठकर हंस रहा है। हमारी माई डर गई और छोटे भैया कन्हैया को लेकर के घर छोड़ के भाग गई रे। और मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, बच्चों ने आवाज लगाई, कह रहे हैं मोहन तेरी झोपड़ी जल रही है। मैं दौड़ा दौड़ा आया तो देखा तुसी आग में हमारे बाबूजी तड़पड़ा रहे। मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, अरे बाबूजी कोई हाथ तो बचाओ, इसी आग में हमारे बाबूजी जल रहे। कोई नजदीक नहीं आया। इतना आतंक था जमींदार जगत सिंह का, उसके डर के मारे कोई भी गांव का शख्स आग बुझाने नहीं आया। फिर क्या हुआ राजा? जब मैं आया तो साला हराम जादा मुझे देखा तो अपने पास बुलाया। मैं डरते डरते उसके पास गया और कहने लगा, बाबूजी हमारे बाबूजी झोपड़ी, हमारे बाबूजी आग में जल रहे हैं, बचाइए। उस साला कुछ नहीं किया और मेरा हाथ पकड़ा, अपने घोड़े पर बिठा लिया, घोड़े पर बिठा करके अपनी हवेली लाया। जानती हो किसके लिए? इसलिए उसके दिल में पाप बस गया, यही सोच के लाया इस लड़के को मैं पालन पोषण करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा। जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो रघुनाथ किसान का नकली बेटा बना करके इसे आधार ले जाऊंगा और रघुनाथ किसान की सारी जमीन सब अपने नाम लिखवाऊंगा। तुरी कसम राजा, उस दिन भी साला मंगलवार था रे, और उसी दिन हमने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जमींदार जगत सिंह का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देंगे तब तक मंगल के दिन हम ताजी रोटी का नाश्ता नहीं करेंगे। यही हमारी कहानी रे। सच सब समझ गया सरदार जी, हमारे कहने मिलना थोड़ी था, आप रो रहे हैं सरदार जी। रोना तो हमारी किस्मत में लिख दिया साला जमींदार जगत सिंह, रोना लिख दिया। मगर है राजा, अब मैं आंसू नहीं गिराऊंगा, तो एक सम अब हमारी आंखों से अंगार निकलेंगे अंगार। सबसे पहले कागज कलम ला और जमींदार जगत सिंह के नाम में खत लिख। जगत सिंह तुम्हें मालूम हो कि आज की रात हम तेरे घर में डकैती डालने आ रहे हैं, तुम अपने सगे संबंधी वा जिले की पीएससी फोर्स बुला लेना, मुझे कोई इतराज नहीं, तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू शमशेर सिंह मोहन। कहा अभी लिखा नहीं? क्या नहीं लिखा अभी? अब तू ऐसे जैसे पंडित ब्याह करावे बैठे कजनी का ले जा के समझ। अरे एक एक अक्षर बोला, एक एक अक्षर बोला आराम आराम से। सेवा में जमींदार जगत सिंह, सेवा में जमींदार जगत सिंह, तुम्हें मालूम हो कि, तुम्हें मालूम हो कि, मालूम हो कि, सारे मालूम, मालूम हो कि आज की रात, आज की रात हम तेरे घर में, हम तेरे घर में डकैती डालने आ रहे हैं, डालने आ रहे हैं। कहा डलवा सर कर सास लिख दे अजोन छोटकी सरहुनी हमारा चमेला है ना, उन्हों के नाम लिख दे।
बाकी सड़गनिया हमार चमेला है वो लिख दे। अरे ये करबै करबै बदतमीज के आपत कहे सास समझी पक सा। अबे सगे संबंधी यानी रिश्तेदार दोस्त यार को बुला लेना साला समझी दिख रहा है अपने सगे संबंधी वजीरे की वजीरे की पीएससी फोर्स बुला लेना पीएससी मंगवाई ले जियत लेबत 150 में मरी लेबत 130 से चल से दे दे जियत लेबत 150 में मरी लेबत करे तो घरा कहां सारे घर तो सिका ले ला दे सर का लिखत है तही में तू ही कहा बोला तही लिखे क्या सर पीएससी फोर्स बुला लेना सर पीएससी मछली लिखत है सर ये पीएससी फोर्स बुला लेना पीएससी फोर्स बुलवा लेना और जरूरत समझना और जरूरत समझना तो महिला पुलिस भी बुला लेना महिला पुलिस यह देखा ये गौरव ब्लॉक में बड़ी खसी हो गया सर ये देखा इनका शक्ल देखा बानर सर मारो सर तो भाई यो लिखी अब सर महिला पुलिस बुला लेना काट रहा हूं महिला पुलिस भी बुलवा लेना तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन राजा जिस ये खत लेके तुम्हें जाना पड़ेगा मैं नहीं जाऊंगा क्यों बे मन देख के भैया भेज में देख अबे साले तो अपना भेज पोस्टमैन का बना ले तू आगे आगे चल हाँ। हमारी किस्म आज जगत सिंह की जिंदगी की आखिरी रात होगी हाँ, हाँ। जा। मैं चल रहा हूँ आप आना जरूर जल्दी से समझता रहा यही ना डरवाएगा धमकाएगा और छोड़ देगा ये नहीं जाना मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है अगर तुम दबा के भागा ना होता तो सोने को यही हवेली में धसा देते अच्छा हुआ भाग गया सुंदर हवेली लेकिन कोई दिख नहीं रहा है मैं दरवाजे को ठोकता हूं अंदर कोई होगा तो जरूर बोलेगा इस घर में कौन है कोई नहीं बोल रहा है फिर देखता हूं इस घर में कौन है अबे इस घर में चार कौन है चार कौन है तुम कौन हो मैं आई एम पोकमैन पोस्टमैन सुना है लेकिन पोकमैन किस विभाग में कार्यरत है ये नहीं जाना हमें लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं अच्छा तो आप जो कि पोकमैन का मतलब नहीं समझते तो तू ही बता फिर पोकमैन ओ होते हैं कौन होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं अच्छा अच्छा
और पोस्टमैन वो होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा अच्छा, यानी जो घूस दे के भर्ती होते हैं, नौकरी पाते हैं, वो पोस्टमैन। और आप यहाँ के नौकर हैं, चौकीदार हैं। अबे मैं तुझे नौकर दिखाई दे रहा हूँ बे। बेटे से बात नहीं करने का, सरकार आदमी। सरकारी आदमी को सरकारा आदमी, भाषा इसका जरा उल्टा पुल्टा लग रहा है। और हाँ,